तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमने सोचा कि चलो बाहर निकले कुछ अच्छा ट्राई करते हैं। तो मैंने ये काफ़ी गुलमोहर रोड पे निकलते वक्त देखा था, ये मित्रम रेस्टोरेंट। मैंने काफ़ी टाइम से सोच के रखा था कि यहाँ पे आके मुझे कुछ ना कुछ ट्राई करना है। यहाँ का मेन्यू मैंने वैसे ऑनलाइन देखा था, यहाँ बहुत सारी चीज़ है। तो अंदर चल के आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या प्राइस रेंज है और फूड कैसा। चलो अंदर चल दिखाते। एक ये सेटिंग आपको बाहर मिलेगी जहाँ आप बैठ के इंजॉय कर सकते हो, एक सेटिंग अंदर है, देखनी है? चलो देख लेते हैं वो भी। एक सेटिंग आपको ये अंदर मिलेगी जो आप देख सकते हो, बाकी मेन्यू भी आप देख लेना, मैं आपको दिखा देती हूँ चल के। तो ये है मित्रम का फास्ट फूड, इसमें आप देख लो कितनी सारी चीज़ें हैं। प्राइसेस काफ़ी रीजनेबल है, साउथ इंडियन से लेके सब कुछ मिलेगा, पिज़्ज़ा वगैरह, और मेन कोर्स भी है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। इनके भोपाल में आई गेस बहुत सारे ब्रांचेस हैं। मैं आज जो ब्रांच में आई हूँ वो हमारा है गुलमोहर में। ये देखो यहाँ पे आपको नॉर्मल सब्ज़ी भी मिल जाएगी अगर आपको सेपरेट चाहिए होगी तो, फिर बेवरेजेस वगैरह तो ऐसा कुछ है मेन्यू। आज हमने ऑर्डर किया है चाइनीज़ प्लेटर और एक कोल्ड कॉफ़ी, लेट्स सी टेस्ट कैसा होता है। तो देखो हमारा ऑर्डर आ चुका है, जो मैंने चाइनीज़ प्लेटर ऑर्डर किया था दिखने में काफ़ी सही है, और पता है एकदम जब आया था ना स्मोक का फ्लेवर बहुत सही लग रहा था, मतलब लग रहा था हाँ काफ़ी सही लग रहा है। ये हमारा नूडल्स दिखने में बहुत सही दिख रहा है, और ये फ्राइड राइस है, और ये ग्रेवी मंचूरियन जिसका प्राइस हमें 160 रुपीज़ मिला है। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं इज़ इट वर्थ इट और नॉट। 160 रुपीज़ इस पर स्पेंड करना, आई थिंक सो इट्स वर्थ इट, दिखने में तो काफ़ी सही दिख रहा है। लेट्स ट्राई दिस। स्पाइसी है, काफ़ी सही फ्लेवर्स है, बस थोड़ा सा सॉल्ट कम है मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग, मुझे काफ़ी पसंद आए। नूडल्स काफ़ी सही है यहाँ पे अगर आप खा रहे हो तो। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं हमारे फ्राइड राइस। फ्राइड राइस इज सुपर्ब, वेजीज का क्रंच है और इसमें भी स्पाइस काफ़ी तेज़ है। बाकी अगर आप यहाँ पे आके ये प्लेटर लोगे तो स्पाइस अपने तरीके से अकॉर्डिंगली उसे करवा लेना सेट, वरना आपको स्पाइसी खाना पड़ेगा। इसके अंदर की स्पाइस बहुत सही है, बहुत सही है, मज़ा आ गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो हमारे पास है वो है हमारा ग्रेवी मंचूरियन। ग्रेवी मंचूरियन का जो बॉल है थोड़ा हार्ड है, या तो आई थिंक सो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, बट उसका ग्रेवी अच्छा है। बॉल इज़ लाइक ओकेश, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा उसका जो बॉल था। बाकी टेस्ट वाइज इस प्लेटर का प्राइस 160 रुपीज़ है, इट्स वर्थ इट ओनली, बस मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा, बाकी सही है। नेक्स्ट इन द लास्ट हमारे पास है कोल्ड कॉफ़ी, दिखने में बहुत प्रिटी है, ये देखो इसकी एक सिप लेके देखते हैं। इतने स्पाइसी फूड के बाद ऐसी कुछ मिल जाए ना ड्रिंक तो मज़ा आ जाता है। काफ़ी सही है, काफ़ी चॉकलेटी है, कॉफ़ी का भी अच्छा फ्लेवर है, मज़ा आ गया। मैं ये फिनिश करके आपको वापस मिलती हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, मैंने दो चीज़ें ली थी, एक चाइनीज़ प्लेटर लिया था जिसमें मुझे राइस बहुत पसंद आए थे, नूडल्स भी अच्छे थे, ओनली बस वो थोड़ा सा मंचूरियन ग्रेवी में उनका थोड़ा सा बॉल का कुछ मिस्टेक वो था, तो वो मुझे इतना पसंद है। बाकी कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी है, मैं अभी भी इसे इन्जॉय कर रही हूँ। तो अगर आपको भी यहाँ का फूड, जैसे ये वाला एरिया ना आप जैसे देखते हो फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाना होता है तो प्राइस का रहता है इशू, यार ज़्यादा पैसे खर्च जाएंगे, पार्टी वगैरह देना हो तो उसके लिए ये जगह बहुत अच्छी है। आप यहाँ पर आके बहुत सारे लोग इन्जॉय कर सकते हो एक साथ में, प्राइस रेंज भी उस हिसाब से ज़्यादा नहीं, बाकी मुझे काफ़ी पसंद आया। जिसका अगर हाँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ जिनके साथ आप ये जगह इन्जॉय करना चाहते हो, और सब्सक्राइब हो चैनल।